नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के हौसलों को मिल रहे पंख। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की बदौलत लाखों चेहरों पर आ रही मोबाइल से स्माइल। परामर्श शिविर में उद्योग खान रीको के हितधारकों ने दिए सुझाव। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा, विजन डॉक्यूमेंट तैयार होने से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बैठक हुई आयोजित। हितधारकों और आमजन के हितों को सर्वोपरि रख प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना हो रही साकार। राज्य सरकार की योजनाओं से बालिकाओं और महिलाओं को संबल मिल रहा है और वे आत्मनिर्भर बनकर सशक्त समाज के निर्माण में भी भागीदारी निभा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का मानना है कि जहां महिलाएं तरक्की करेंगी, वो प्रदेश और देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के हौसलों को पंख मिल रहे हैं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में महिलाओं के लिए संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं में से ही एक योजना है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इस योजना के बदौलत लाखों बालिकाओं और महिलाओं के चेहरों पर आई है मोबाइल से स्माइल। अजमेर की बेटी संतोष को भी बड़ी जद्दोजहद के बाद स्मार्टफोन मिला तो उनके चेहरे पर अलग ही खुशी और संतोष देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस योजना के जरिए हर जरूरतमंद बेटी तक स्मार्टफोन पहुंचाकर ही हमें संतोष मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। आंसुओं से लिख रहे हैं बेबसी की दास्तान, लग रहा है दर्द की तस्वीर बन जाएंगे हम। ये मार्मिक वाक्य अजमेर की नाबालिग बेटी संतोष के मोबाइल पाने की जद्दोजहद का है। 11 अगस्त की बात है, हम स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी हमने देखा है अचानक कोने के अंदर एक संतोष नाम की लड़की जो ये है वहाँ बैठी थी, काफी परेशान थी। पर इनसे बात होने पर पता लगा इनको मोबाइल मिला था, लेकिन 18 वर्ष से कम होने के कारण राजस्थान सरकार 18 साल से नीचे वालों को मोबाइल नहीं दे रही। जनाधार के अंदर जो सबसे घर का प्रमुख है उसको मोबाइल मिल रहा है, तो पता लगा कि इनकी नानी को मोबाइल के लिए योग्य पाया गया। पर इनसे बात होने पर पता लगा कि इनकी नानी को पैरालाइज है। जैसे तैसे करके परिवार की और सदस्यों की मदद से ये नानी को मोबाइल वितरण केंद्र तक तो ले आए। नानी जी की मतलब फिंगरप्रिंट में, चेहरे में और इन्होंने प्रॉब्लम आने लग गई, जन आधार वगैरह इन्होंने प्रॉब्लम आने लग गई। एक बार तो सर ने मना भी कर दिया था कि आपको फोन नहीं मिलेगा। जाने दिल ये खेल कैसे खेले, मन अंदर अंदर रोए गम सहता रहे। तब मैंने देखा कि संतोष की आंखों में लगभग आंसू से आ गए थे और काफी उदास हो गई थी, इसको लगा कि शायद इसका फोन नहीं आएगा। बेटी हाथ में मोबाइल देखना चाहती थी तो नानी के हाथ के फिंगरप्रिंट पढ़े नहीं जा रहे थे, तो फिंगरप्रिंट स्कैन होने हमने काफी उनके हाथों को धुला के कई बार कोशिश करके जैसे तैसे फिंगरप्रिंट स्कैन कराया। उसके बाद हमने आधार से आई मैच के लिए लगातार 2-3 बार कोशिश करने के बाद आधार कार्ड में जो फोटो थी उनकी नानी से मैच हो गई। शायद इसके चेहरे के अंदर जो इसके आंखों में आंसू थे वही हमारे लिए ऊर्जा का काम किया और हमने पूरी कोशिश की, दिल से कोशिश की और शिद्दत से कोशिश करने के बाद कहीं ना कहीं वो हमारा साथ इसकी किस्मत में भी दिया। काफी स्टाफ वालों ने हमारी मदद भी करी और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फोन मिला है, तो गहलोत जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि और अशोक गहलोत जी आपकी वजह से हमें फोन मिला है और इसका अच्छा उपयोग हो रहा है हमारे लिए, पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं। आपकी वजह से हम ये पूरी दुनिया देख पा रहे हैं फोन से ही, इसलिए हमें थैंक यू बोलते हैं अशोक गहलोत जी को। आपकी वजह से हमें फोन मिला है, पूरी दुनिया देखने का मौका मिला है। इसलिए राजस्थान की बेटी ने जब करने पढ़ाई फोन उठाया वो भी घर बैठे दुनिया की समझे चार। मोबाइल से स्माइल, मोबाइल से स्माइल। और इस तरह मोबाइल से खुश हुई एक और बिटिया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से हाथ आई दुनिया। राजस्थान को साल 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग, रीको की ओर से परामर्श शिविर आयोजित किया गया। परामर्श शिविर में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता से राजस्थान मिशन 2030 के तहत प्रदेश के विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यम सुगमता से संचालित हो सके इसके लिए सुधारवादी कदम उठाए गए हैं। राजस्थान सूक्ष्म, लघु और
मध्यम उद्योग अधिनियम लागू होने से उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया सरल और सुगम बनी है। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और 2022 लागू की गई है। इस मौके पर उद्योग क्षेत्र के विभिन्न संगठनों विषय विशेषज्ञों ने विजन डॉक्यूमेंट के लिए अपने सुझाव साझा किए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मंडल सदस्यों और अधिकारियों के साथ राज्य में मंडल द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे विशेष कामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा हितधारकों और आमजन के हितों के साथ मंडल के कर्मचारियों के हितों को भी विशेष महत्व देकर बैठक के एजेंडा तैयार किए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से काम करने का एक बेहतर माहौल मिल सके। बैठक के दौरान पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मंडल की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा करते हुए मंडल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस दौरान बैठक में राज्य में 10 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग व्हीकल्स, नए जिलों में वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए 15 CAQMS स्थापित किए जाने, जयपुर में मौसम विभाग की तर्ज पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भी प्रदूषण स्तर की चेतावनी जारी करने जैसे विभिन्न एजेंडों पर सहमति दी गई। सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने कहा कि विभाग में विभिन्न निर्माण कार्यों के डिजाइन और DPR बनाने के लिए अलग से एक शाखा बनाई जाए। ये सेल विशेष रूप से DPR बनाने में पारंगत हो, जिससे विभाग की साख में बढ़ोतरी और समय की बचत भी होगी। उन्होंने बचे हुए निर्माण कार्यों को शुरू करने में आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान कर उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। श्री जाटव बजट घोषणाओं और राजस्थान मिशन 2030 के कार्यों की प्रगति के संबंध में विभाग मुख्यालय पर VC के जरिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विजन 2030 डॉक्यूमेंट में प्रदेश के हर गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय से सीधा और न्यूनतम दूरी से जोड़ने के लिए सुझाव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटा बूंदी के बीच शंभुपुरा जखमुंड गांव में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए चुनित स्थान पर पहुंचकर प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नगर विकास न्यास कोटा की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क 34 सेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट विकास के जो वायदे किए गए थे वो पूरे किए गए हैं। एयरपोर्ट बन जाएगा यहाँ पर, किशनगढ़ एयरपोर्ट उदाहरण हमारे लिए, हमने शुरुआत उसकी करी थी। 15-20 साल बाद में भारत सरकार ने टेकअप किया और वो शानदार एयरपोर्ट बन गया। हमने 20 साल पहले वहाँ पे प्लेन उतारना शुरू कर दिया। मुझे बहुत दुख होता है कि कोटा जैसी जगह में है, सब कुछ होने के बावजूद एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए हम आए हैं, हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत शानदार जमीन है और आगे 20-25 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, चाहे वो बेंगलोर हो चाहे बॉम्बे हो, 15-20-25 किलोमीटर आसान दूरी होती है, उदयपुर भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा पर्यटन हब बनने जा रहा है। आने वाले समय में कोटा में बड़ी तादाद में सैलानी आएंगे, ऐसे में यहाँ अब एयरपोर्ट की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोटा में एयरपोर्ट होगा तो दिल्ली मुंबई हर जगह से पर्यटक कोटा पहुंच सकेंगे। जो जम मिला है कोटा को, रिवर फ्रंट और ये आपका सिटी पार्क और बाकी पूरा कोटा बदल है। बिना लाइटों के ट्रैफिक मेरे ख्याल से कंट्री में बहुत 2-4-5-10 जगह होगा मुश्किल से, मेरे ख्याल से रास्ता में कहीं नहीं है। ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज खूब बन गए हैं, बड़े बड़े चौराहे बन गए हैं, भरमार हो गया है, सड़कें चौड़ी हो गई है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, तो सब मिला के आप देखें तो आज कोटा बदल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है यहाँ पर। अब अगर एयरपोर्ट नहीं होता है तो टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट वहीं आता है जहाँ उनको सुविधा होती है, बॉम्बे से है, दिल्ली से है, लंदन से है, सीधा यहाँ लैंड करें, तभी होगा, तभी एयरपोर्ट बनेगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.